करीब 4 वर्ष पूरे हुए अंधे कत्ल का कन्नौज पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 30 सितंबर 2018 को विजेश पिता पुनिया उम्र 25 वर्ष निवासी किटिया का शव कुएं के अंदर पोटली में होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। कंकाल के पास मिले फोटो से मृतक की पहचान विजेश पिता पुनिया निवासी किटिया के रूप में हुई है। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग किटिया की नदी के किनारे करंट फैलाकर जंगली सुअरों को मारते हैं। जिस समय विजेश लापता हुआ था, उस समय लालू पिता नानू भिलाई तथा रामेश्वर पिता मांगीलाल निवासी बड़ा खेत कोलारी साथ में देखे गए थे। जिस वक्त विजेश अपने खेत पर जा रहा था, उस वक्त उसे करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। दोनों आरोपियों ने कंबल में लपेटकर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम बता दिया। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। 2 जनवरी 2021 को थाना कन्नौज में देवसरिया के जंगल में एक कुएं में कंबल में बंधी हुई कुछ चीजें मिली थी जो मानव हड्डी के रूप में चिन्हित हुई। बाद में इसकी पहचान पत्र के आधार पर, परिवारजनों के निशानदेही के आधार पर ग्राम किटिया के विजेश गोड़ के रूप में हुई थी। और इसके मृतक के भाई ब्रिजमोहन ने बताया कि 30 सितंबर 2018 से मृतक विजेश गायब था। उसकी सूचना पर तत्काल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया था। यह प्रकाश में आया कि मृतक के खेत के आसपास कुछ लोग सुअर मारने के उद्देश्य से तार में करंट फैलाकर रखते हैं। इसी आधार पर भिलाई के लालू और कोलारी के रहने वाले रामेश्वर से जब हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उनने घटना करना स्वीकार किया और मृतक के खेत के पास करंट लगाकर मृतक की मृत्यु होना उनने स्वीकार किया। और बाद में इनने डर के कारण उसको कंबल में लपेटकर और कुएं में फेंकना बताया। आरोपी लालू और रामेश्वर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण अभी विवेचना में है। चूंकि प्रकरण 4 साल पुराना था, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कन्नौज की पूरी पुलिस टीम को इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने के कारण पुरस्कृत करने की घोषणा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।